हेलो एंड वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फाइव मिनट शो जहां पर हम करते हैं पेपर वन के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस इन फाइव मिनट्स ये है आपका कैप्सूल थ्री एंड कैप्सूल वन एंड टू में ऑलरेडी मैंने रिसर्च के न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कशन किया था जो कि इस बार हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं सो इफ़ यू हैवेंट वॉच दैट यू शुड बी वॉचिंग दैट टू ताकि वो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए एंड आज के सेशन में फिर से आई विल बी टेकिंग अप अनदर क्वेश्चन फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड ओनली जो कि काफ़ी ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड हमें कंफ्यूजन भी होती है तो आज एक ट्रिक के थ्रू मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करूंगी एंड आई कैन गारंटी कि इसके बाद आप ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं करोगे तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ जो कि हमसे पूछा गया था ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट होगा आपका स्क्यूनेस से एंड

सबसे छोटा चोट, होगा इसके बाद मीडियम होगा एंड मोड सबसे बड़ा होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस आपकी होती है जहां पर मीन सबसे बड़ा है मोड सबसे छोटा होता है एंड स्क्यूनेस की बात करें तो होता क्या है जब सिमेट्री नहीं होती आप जो मेरे पीछे सीरीज देख रहे हो ये वाली ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है जहां पर मीन मीडियन और मोड आपकी क्या होती है बराबर होती है लेकिन अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीनों चीजें बराबर नहीं है तो हमारा स्क्यूनेस हो जाएगा पॉजिटिव स्क्यूनेस हो सकता है या फिर नेगेटिव स्क्यूनेस आपका हो सकता है राइट right? तो जब सीरीज बराबर होती है तो वी कॉल इट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन बराबर नहीं होती है तो फिर स्क्यूनेस होती है स्क्यूनेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है अब क्वेश्चन कैसा आता है आपका कि पॉजिटिव में मीन बड़ा है या मीन छोटा है इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे याद करेंगे कि किसमें कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस में राइट तो एक तरीका है मेरे पास मैंने एक ट्रिक बनाई है आप देखो मैंने आपको बताया ना जब बराबर होता है तो मीन आपका आपका मीडियन आपका मोड सारा बराबर होगा है ना लेकिन जो बराबर नहीं होता वो स्क्यूनस होता है तो एक ट्रिक हम लगाते हैं इनको याद करने के लिए चलो वो ट्रिक आपकी होगी जैसे हमारी अक्सर हम बोलते हैं कैसी है तो आप बोलते हैं बराबर है पर आपकी तबियत नहीं है तो आप बोलते हो ना बराबर नहीं है मेरी तबियत ठीक नहीं है हेल्थ बराबर नहीं है है ना तो जब हम बोलते हैं बराबर नहीं है मतलब स्क्यूनेस है राइट तो अब देखो एक ट्रिक है यहाँ पर जब आपकी तबियत बराबर नहीं है आप ठीक नहीं फील कर रहे हो तो आप किसी से बोलोगे पास मी मेडिसिन एंड मूव की भाई तबियत बराबर नहीं है अच्छा फील नहीं हो रहा है मुझे मेडिसिन दे दो और मूव दे दो ठीक है me से क्या होगा पी फॉर पॉजिटिव तो आपकी जो पॉजिटिव होती है उसमें पहले क्या आएगा मीन आएगा ठीक है मेड मेड मतलब मीडियन मीन के बाद होगा मीडियन एंड लास्ट होगा मूव मतलब मोड तो दैट मीन्स कि आपकी जो पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है ना आपकी जो पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है उसमें सबसे पहले मीन आता है दैट मीन्स मीन सबसे बड़ा होगा फिर आपका मेडिसिन आएगा मतलब मीडियन आएगा उसके बाद होगा आपका सबसे छोटा मूव मतलब मोड राइट right. ये याद हो गया नेगेटिव आपने पॉजिटिव uh, आपने याद कर लिया नेगेटिव अपने से बना लो ठीक नेगेटिव लिखा पूरा उल्टा कर दिया यहां सबसे लास्ट में मोड है तो यहां सबसे पहले मोड आ जाएगा इसके बाद आएगा आपका मीडियन इसके बाद आएगा आपका मीन ठीक है आगे बात समझ में अब एक बार इस डायग्राम को वापस से देख लो कि जब पॉजिटिव होगा तो मीन यहां सबसे बड़ा होगा इसके बाद होगा मीडियन और मोड सबसे छोटा होगा नेगेटिव में वही उल्टा होगा मोड सबसे बड़ा फिर मीडियन फिर मीन ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप क्वेश्चन करते हैं सो so, यहां पर आपसे बोला है नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा नेगेटिव स्क्यूनेस में हमारा मोड बड़ा होता है ठीक है अगर हम नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करें तो मीन क्या हमारा मोड से बड़ा होगा नहीं मीन सबसे छोटा होता है तो मीन इज लेस राइट मीन इज लेस मीडियम ऐसा है ये yes, करेक्ट है तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें से आप बताओ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री मतलब बी एंड डी ठीक है आपका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है बी एंड डी बी एंड डी ठीक है दैट मींस ये और ये अब आपको लग रहा होगा मैम ये क्यों नहीं मीडियम भी तो हमारा मोड से छोटा होता है है ना मीडियम भी तो हमारा मोड से छोटा होता है तब ये क्यों नहीं तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है बेस्ट ऑप्शन में यूजीसी ने हमको थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन दे दी थी लेकिन बेस्ट ऑप्शन चूज करो बेस्ट ऑप्शन आपका मीन से कंपैरिजन होता है राइट right? तो मीन से कंपैरिजन मीन मीडियम से छोटा होगा और मोड मीन से बड़ा होगा ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मीन को बेस मान के चलना है और उससे कंपेयर करोगे तो देफो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ठीक है सो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस एंड आई कैन गारंटी कि आप नहीं भूलोगे अगर आपने ये वाली ट्रिक लगा ली दैट इज पास मी मेडिसिन एंड मूव ठीक है सो यस दैट वॉज इट